हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, यूपी डीएलएड में एडमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो गई, यानी कि एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है। और लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स ने अपना जो फाइनल फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है। तो 1 लाख स्टूडेंट्स में से ही अब आप एडमिशन ले पाएंगे। अगर पीएनपी की तरफ से लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो जिन 1 लाख स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दिया है वही स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग करा सकेंगे। कितनी मेरिट तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, एडमिशन की मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए डीएलएड और बीएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। लास्ट डेट को आगे बढ़ाने के बाद भी एडमिशन पर कोई खास असर नहीं दिखा। यूपी डीएलएड में 2023 में प्रवेश के लिए दोबारा पंजीकरण का मौका मिलने के बाद भी करीब 1 से 1.25 लाख जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। शासन की अनुमति के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी थी। अब अगर फिर से उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति देती है तो पीएनपी की तरफ से एक बार फिर से लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो चांसेस हैं वो केवल 5 से 10% ही हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने आवेदन कर दिया वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाएंगे। अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। यूपी में 4.5 साल से कोई शिक्षक भर्ती ना आने के कारण युवाओं का डीएलएड कोर्स के प्रति जो रुझान है वो कम हो गया। फिर भी अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। इस बार डीएलएड कोर्स 2023 में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1,33,603 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बताए गए हैं। और जो यहाँ पर फाइनल फॉर्म सबमिट हुए हैं वो लगभग 99,000 कुछ फॉर्म सबमिट हुए हैं और उनकी जो संख्या वो यहाँ पर बताई गई है, देख लीजिए। इसके बावजूद निर्धारित तिथि तक 1,21,246 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, यह संख्या यहाँ पर सही बताई गई। ऊपर जो संख्या है वो गलत है, ये इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है 1,21,000 ने, जिनमें से केवल 99,747 स्टूडेंट्स ने ही अपनी फीस सबमिट की है, यानी कि इन स्टूडेंट्स को ही एडमिशन का जो मौका है वो मिलने वाला है। 30 जुलाई तक आपने फाइनल प्रिंट आउट ले लिया होगा तो इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन का मौका मिलेगा। और अगर बात करें कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, अगर सरकार की तरफ से लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में यानी कि 7 अगस्त तक पीएनपी की तरफ से आपकी जो लास्ट डेट है, जो मेरिट लिस्ट है, 7 अगस्त तक क्या होगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो पीएनपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया तब। लेकिन अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करने की डेट को आगे बढ़ाया जाता है, पंजीकरण की जो डेट है इसे आगे कराया जाएगा, तो फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसे आने में समय लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है जब जारी की जाएगी तो उसमें जो स्टेट रैंक होगी उसके आधार पर ही आपको जो गवर्नमेंट या जो डायरेक्ट कॉलेज है वो मिल पाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पर आपसे बोला गया कि रैंक 1 से लेकर रैंक 40,000 तक जिनकी रैंक है वो स्टूडेंट्स पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये कोई अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, एक आपको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे वहाँ पीएनपी की तरफ से आपसे बोला गया कि रैंक 1 से लेकर 40,000 तक के अभ्यर्थी फर्स्ट फेज में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक 1 से 40,000 के बीच में होगी वो जब स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो उनमें जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होंगे, परसेंटेज 80 होगी, अच्छी होगी परसेंटेज, उनको डायरेक्ट एन की गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आसानी से मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स की मेरिट कम होगी यानी कि स्टेट रैंक ज़्यादा होगी और परसेंटेज लो होगी तो उनको डायरेक्ट एन की गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो नहीं मिल पाएगा। अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो परसेंटेज है जो आपको पता ही होगा 10th+12+ ग्रेजुएशन इन तीनों क्लासेस को मिलाकर निकाली जाती है, वो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। अगर आपकी मेरिट लिस्ट लगभग 220 के समथिंग या इससे ऊपर रहेगी, 220 के प्लस जनरल कैटेगरी में, तो आपको आसानी से डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम रही है, 1 लाख भी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाएगी, यानी कि 220 के समथिंग आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी में हम यहाँ पर बात करें तो आपकी जो डायरेक्ट कॉलेज मिलने की संभावना है 210 तक, अगर आपकी मेरिट लिस्ट है यानी कि परसेंटेज 210 है तो आपको आसानी से डायरेक्ट कॉलेज मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आपकी परसेंटेज अगर 200 तक हो रही है
तब भी आपको डैट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर ये जो परसेंटेज बता जा रही है ये कोई एक्यूरेट परसेंटेज नहीं है, ये आपको कोई नहीं बता सकता है कन्फर्म, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तभी कन्फर्म होगा। ये आप लगभग में इतना समझ सकते हैं, इससे 2-4 ऊपर नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है 200 ऊपर से कम हो आपकी तो डाट कॉलेज नहीं मिलेगा, हो सकता है तब भी मिल जाए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी 220 से ज़्यादा होगी तब भी उनको डाट कॉलेज नहीं मिलेगा। ये तो काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि PNP की तरफ से किस तरह से आपको जो डाइट कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ें मेरिट के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेरिट कितनी है। लगभग यहाँ पर अगर आपकी मेरिट लिस्ट मान लीजिए जो स्टेट रैंक होती है वो 10,000 के लगभग समथिंग है, 10 से 11,000 तक, और चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको डाइट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों DLED से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। DLED से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाइए चैनल पर और चेक कीजिए, सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लास्ट डेट, मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, काउंसलिंग कैसे होती, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।